स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 यूपी बोर्ड का शॉर्ट स्टोरीज का चैप्टर 4, जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट, को एक्सप्लेन करूंगा, जिसके राइटर हैं ऑस्कर विल्डे। यह एक बच्चों की कहानी है और इसमें एक दानों के बारे में बताया गया है, जो शुरुआत में बिल्कुल ही स्वार्थी प्रकृति का था, किसी से कोई मेल जोल नहीं रखता था। फिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आया, यह आप कहानी में जानेंगे। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी वीडियो बना पाता हूं। एवरी आफ्टरनून एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रेन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। जायंट का अर्थ होता है दानव। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर के बाद, एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसा कि वे स्कूल से आ रहे होते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। जैसा कि हर दोपहर के बाद बच्चे स्कूल से आ रहे होते थे, तो वे दानों के बागीचे में जाते थे और खेलते थे। इट वॉज ए लार्ज एंड लवली गार्डन। यह जो बागीचा था बहुत बड़ा था और बहुत ही प्यारा था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, इसमें मुलायम हरी घासें थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। और घासों पे इधर उधर सुंदर फूल खड़े थे, जैसे कि तारे, सितारों की तरह घासों पे इधर उधर फूल खड़े थे या फूल थे। एंड देयर वेयर 12 पीच ट्री दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल। और वहां पे 12 पीच के पेड़ भी थे, आड़ू के पेड़ भी थे, दैट इन द स्प्रिंग टाइम, बसंत के समय में ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम, उसमें नाजुक फूल आ जाते थे, फूलों से भर जाते थे। डेलिकेट का अर्थ है नाजुक, ब्लॉसम का अर्थ है फूल। और ये जो फूल होते थे पिंक एंड पर्ल, गुलाबी रंग के और मोतियों जैसे होते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। और पतझड़ में, ऑटम का अर्थ है पतझड़ या हेमंत ऋतु में, बोर का अर्थ है लग जाना, रिच फ्रूट, और पतझड़ में यह फलों से लद जाते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that children used to stop their game in order to listen to them. चिड़िया पेड़ों पे बैठती थीं and sang so sweetly, और इतना मीठा गाती थीं, that children used to stop their games, इतना मीठा गाती थीं कि बच्चे अपने खेल को रोक देते थे, in order to listen to them, इन चिड़ियों की गानों को सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर। बच्चे एक दूसरे से चिल्लाते हुए कहते थे कि हम लोग यहाँ पर कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन वह दानव वापस आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे एंड हैड स्टेड with him for 7 years। वो अपने मित्र
कॉर्निस ऑर्गी कॉर्निस ऑगरे से मिलने गया था और उसके साथ 7 सालों तक ठहरा हुआ था। आफ्टर 7 ईयर्स वेयर ओवर, जब 7 साल हो चुके थे, 7 साल बीत गए थे, ही हैड सेड ऑल दैट ही हैड टू से, जब वह हर कुछ कह चुका था, सब कुछ कह चुका था जो वह कहना चाहता था, सब कुछ कह सुन लेने के बाद, फॉर हिज कन्वर्सेशन वॉज लिमिटेड, उसका जो वार्तालाप था बहुत ही सीमित था, 7 साल के वार्तालाप को सीमित कहा गया है। अब दानव जो मानव से बहुत बड़े होते हैं, तो मानव के लिए 7 साल एक बड़ा अवधि हो सकता है, पर दानव के लिए 7 साल छोटी अवधि थी। एंड ही डिटरमिंड टू रिटर्न टू हिज ऑन कैस्टल, और वह फिर अपने किले में वापस आने के लिए उत्सुक था या दृढ़ निश्चय किया था। 7 साल बाद वह अपने किले में लौट आया। When he arrived, जब वह पहुंचा, he saw the children playing in the garden. उसने देखा कि बच्चे बागीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. ग्रफ का अर्थ है भयंकर। वो बहुत ही भयंकर आवाज में, बहुत ही कर्कश आवाज में चिल्लाया। And the children ran away. और बच्चे भाग गए। My own garden is my own garden. यह मेरा बागीचा है और मेरा ही बागीचा है, सेड द जायंट, उस दानव ने कहा। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नोबॉडी टू प्ले इन इट बट माइसेल्फ, कोई भी समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नोबॉडी, और मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा टू प्ले इन इट, इसमें खेलने की, बट माइसेल्फ, सिवाय अपने, हर कोई समझ सकता है कि मैं इसमें सिवाय अपने किसी को भी खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट, इसलिए उसने एक काफी ऊंचा दीवार चारों तरफ बनवा दिया। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, ट्रेस पैसर विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेस पैसर का अर्थ है बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले, बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले वालों को दंडित किया जाएगा। प्रोसिक्यूटेड का अर्थ है दंड देना। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही स्वार्थी दानव था। द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ नो हियर टू प्ले, अब बेचारे बच्चे यहाँ पे नहीं खेल सकते थे। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, उन लोगों ने रोड पर, सड़क पर खेलने का प्रयास किया, लेकिन जो वह जो सड़क थी काफी धूल से भरी हुई थी और उसमें कठोर पत्थर भी थे। जो रोड थी, जो सड़क थी, वह धूल और कठोर पत्थरों से भरी हुई थी। And they did not like it, और वे सभी इसको पसंद नहीं करते थे। They used to wander round the high wall when their lesson were over and talk about the beautiful garden inside. They used to wander round the high wall, वे उस ऊंची दीवार के चारों ओर घूमते थे। वेंडर का अर्थ है घूमना। When their lesson were over, जब उनके पाठ या उनका स्कूल समाप्त होता था, जब छुट्टियां होती थी, and talk about the beautiful garden inside, और वे बच्चे उस बागीचे के बारे में बात करते थे जो दीवार के या चार दीवारी के अंदर थी। How happy we were there, हम लोग वहां पे या उस बागीचे में कितने खुश होते थे, कितने प्रसन्न रहते थे। They said to each other, वे एक दूसरे से कहा करते थे। Then the spring came, spring means बसंत, फिर बसंत ऋतु आई। And all over the country there were little blossoms,
एंड लिटिल बर्ड्स, पूरे देश में हर तरफ छोटे छोटे फूल आ गए और छोटी छोटी चिड़ियां आ गई। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, केवल इस स्वार्थी दानों के बागीचे में अभी भी विंटर था, ठंड थी या जाड़े का मौसम था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, पक्षियों को इसमें गाने की परवाह नहीं थी, एस देयर वेयर नो चिल्ड्रेन, क्योंकि वहां पे बच्चे नहीं थे, उनके गानों को सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए चिड़ियों को भी गाने की परवाह नहीं थी। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वे भी फलना फूलना भूल गए थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार एक सुंदर सा फूल घास से ऊपर अपना सिर उठाया, घास के अंदर से बाहर निकला। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब इसने देखा उस नोटिस बोर्ड को, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन, यह बच्चों के लिए बहुत दुखी हुआ। ये जो फूल निकला था बच्चों के लिए बहुत दुखी हुआ। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, इतना दुखी हुआ कि यह फिर से जमीन में वापस सरक गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने चला गया। द ओनली पीपल हु वेयर प्लीज्ड, केवल वही लोग खुश थे वहां पे थे, वेयर द स्नो एंड फ्रोस्ट, और ये लोग थे स्नो और फ्रोस्ट, बर्फ और पाला। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत इस बागीचे को भूल चुकी थी। दे क्राइड, वे चिल्लाए, सो वी विल लीव हियर ऑल ईयर राउंड, वे लोग चिल्लाए, बर्फ और पाले चिल्लाए कि बसंत तो इस बागीचे को भूल गई है, अब हम ही लोग यहां पर पूरे वर्ष रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, बर्फ ने घास को ढक लिया। विथ हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक, क्लॉक का अर्थ है लवाता, तो बर्फ ने घास को अपने सफेद लवादे से ढक लिया, बर्फ के ऊपर, घास के ऊपर बर्फ का लवादा फैल गया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और जो पाला था सभी पेड़ों को सिल्वर कलर का, चांदी जैसा या सफेद सफेद कर दिया, मतलब पेड़ों के ऊपर पाला जम गया। एंड दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विथ देम एंड ही केम, और फिर इन लोगों ने, बर्फ ने और पाले ने, नॉर्थ विंड उत्तरी हवा को बुलावा भेजा उनके साथ ठहरने के लिए, और वह आया। He was wrapped in furs and rode all day about the garden and blew the chimney pots now. वह आया और अपने साथ फर्स, मतलब नुकीले कांटे लिए हुए था। He rode, वह गरजा, all day, पूरे दिन गरजता रहता था, तेज आवाज के साथ बहता था। About the garden, पूरे बागीचे में, and blew the chimney pots down. Chimney pots को नीचे, मतलब अंगारे जैसी चीज नीचे बरसाता था या गिराता था। This is a delightful spot. यह काफी प्रसन्नता से भरा हुआ स्थान है, he said. उसने कहा, we must ask the hill on a visit, और हमें अब ओले को, हिल का अर्थ है ओला, तो हमें ओले को भी बुलाना चाहिए। So the hill came, इसलिए हिल या ओला भी आ गया, उसे इन लोगों ने बुलाया तो ओला वृष्टि भी होने लगी। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. प्रतिदिन
तीन घंटे तक ये लोग किले के छत पर खड़खड़ करते थे और तब तक करते थे जब तक कि उसकी छत का बहुत सा हिस्सा, उसकी बहुत सी पटिया टूट नहीं गई। जो पटिया थी छत पर वो स्लेट का अर्थ है पटिया। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। उसके बाद वे बागीचे में इधर उधर जाते थे, इतना तेजी से जाते थे जितना तेजी से जा सकते थे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड क्वाइट गार्डन। अब उस स्वार्थी दानव ने कहा कि मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर बसंत ऋतु इतना देर से भी क्यों नहीं आई। ही सैट एट द विंडो, वह खिड़की पर बैठ गया एंड लुक आउट एट हिज कोल्ड व्हाइट गार्डन, और बाहर अपने ठंडे सफेद बागीचे को देखा। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि मौसम में कुछ बदलाव आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत कभी नहीं आया, नॉर द समर, ना तो ग्रीष्म ही आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, और जो हेमंत था, पतझड़ था, वो सभी बागीचे में सुनहरे फूल, सुनहरे फल भर दिया, दे दिया। बट द जायंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन उसने इस दानव के बागीचे को कुछ भी नहीं दिया। ही इज टू सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी है। सी सेड, उसने कहा, पतझड़ ने कहा कि वह बहुत ही स्वार्थी है। सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए अब यहाँ पर इस बागीचे में हमेशा विंटर ही रहेगा, ठंड का ही मौसम रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड, और ये उत्तरी हवा रहेगी। एंड द हिल, और ओला भी रहेगा। एंड द फ्रॉस्ट, पाला भी रहेगा। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट दो द ट्री, और जो बर्फ होगी वो पेड़ों पर नाचती रहेगी, मतलब बर्फ पे पेड़ों पर बर्फ गिरती रहेगी। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक सुबह वह दानव अपने बेड पर जगा हुआ था और पड़ा हुआ था। When he heard some lovely music, और तभी उसने एक कुछ प्यारा संगीत सुना। He sounded so sweet to his ear, और यह आवाज उसके कान में इतनी मीठी लगी, इतनी मिठास घोल दी उसके कानों में। That he thought it must be the king's musician passing by, कि उसने सोचा कि निश्चित रूप से राजा के संगीतकार होंगे जो पास से गुजर रहे होंगे। It was really only a little linnet singing outside his window. Linnet का अर्थ है एक प्रकार की पक्षी, एक प्रकार की चिड़िया, लेकिन वास्तव में यह एक प्रकार का linnet था, एक प्रकार की चिड़िया थी जो खिड़की के बाहर थी। But it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be most beautiful music in the world. लेकिन इतना लंबा समय हो गया था उस दानव को एक चिड़िया की, चिड़िया का गीत सुने हुए अपने बागीचे में, उसे लगता लग रहा था कि जैसे यह बहुत ही प्यारा, जैसे ही यह दुनिया का सबसे प्यारा संगीत हो। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड, और तब ओला उसके सिर पे नाचना या गिरना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड ईस्ट रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड थी, उत्तरी हवा थी, उसने भी गर्जना बंद कर दिया। ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, एक सुगंध उसके पास आई, एक स्वादिष्ट सुगंध से मतलब है एक अच्छी सुगंध उसके पास आई। द ओपन केसमेंट, थ्रू ओपन केसमेंट, जो केसमेंट खुला हुआ था, जो खिड़की, केसमेंट का अर्थ है खिड़की, जो खिड़की खुली हुई थी उससे
सुगंध आई, आई बिलीव दैट स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, मुझे विश्वास है कि आखिर अंत में स्प्रिंग बसंत आ ही गया, सेड द जायंट, उस दानों ने कहा, एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, और वह बेड से अपने बिस्तर से कूद पड़ा और बाहर देखा, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा, थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वेयर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, दीवार के एक छोटे से छेद में से बच्चे सरक कर बागीचे में आ गए थे और पेड़ों की शाखाओं पे बैठे थे, इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज ए लिटिल चाइल्ड, हर पेड़ पर जिसे वह दानव देख सकता था एक छोटा सा बच्चा था, बैठा हुआ था, एंड द ट्रीज वेयर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विथ ब्लॉसम, और ये जो पेड़ थे बच्चों को देखकर, बच्चों को वापस पाकर इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे कि वे अपने आप को फूलों से भर लिए थे, एंड वेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और अपनी बाहों को, अपनी शाखाओं को बच्चों के सिर के ऊपर बहुत ही हल्के हल्के घुमा रहे थे या हल्के हल्के हिला रहे थे, द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट, चिड़िया भी प्रसन्नता से उड़ रही थी और चहचहा रही थी, एंड द फ्लावर्स वेयर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल थे हरे घासों से ऊपर देख रहे थे और हंस रहे थे, इट वॉज ए लवली सीन, यह बहुत ही प्यारा दृश्य था, ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, केवल एक कोने में अभी भी जाड़े का मौसम था, इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यह बागीचे का सबसे दूर वाला कोना था, एंड इन इट वॉज ए स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और इस कोने में एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा लड़का खड़ा था, He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा था कि पेड़ की शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता था. And he was wandering all around it. और वो इसके चारों तरफ घूम रहा था, चल रहा था, crying bitterly, बहुत ही तेजी से चिल्लाते हुए. The poor tree was still quite covered with frost and snow. और वह बेचारा पेड़ अभी भी पाले और बर्फ से ढका हुआ था, एंड द नॉर्थ विंड वाज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, और वह जो उत्तर की हवा थी, उत्तरी हवा थी, इसी बेचारे पेड़ के ऊपर बह रही थी और इसी के ऊपर गरज रही थी, क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा, ऊपर चढ़ जाओ लड़के, एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज डाउन एज लो एज इट कुड, और पेड़ ने अपनी शाखाओं को इतना झुका लिया जितना झुका सकता था, बट द बॉय वॉज टू टीनी, लेकिन वह जो बच्चा था बहुत ही छोटा था, एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और वह जो दानव था उसका हृदय पिघल गया, दिल पिघल गया जैसे ही उसने बाहर देखा, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना स्वार्थी हो गया था, He said, उसने कहा, Now I know why the spring would not come here. अब मैं जान चुका हूं कि आखिर बसंत यहां क्यों नहीं आया था. I will put the poor little boy on the top of the tree. मैं इस बेचारे छोटे से लड़के को पेड़ के बिल्कुल शिखर पर सबसे ऊपर रख दूंगा.
एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं इस चार दीवारी को गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रेंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और यह जो मेरा बागीचा है बच्चों के खेल का मैदान हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन, वह सचमुच अपने किए के लिए बहुत ही दुखी था, बहुत ही पछता रहा था। सो ही क्रीप्ड डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, इसलिए वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और बाहर के दरवाजे को बहुत ही सावधानी से खोला, बहुत ही धीरे से खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बागीचे में गया। बट व्हेन द चिल्ड्रेन सॉ हिम, लेकिन जब बच्चों ने उसको देखा, दे वेयर सो फ्राइटेंड, वे इतना डर गए, दैट दे ऑल रैन अवे, वे इतना डर गए कि सभी भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और बागीचे में फिर से जाड़ा आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वह छोटा लड़का नहीं भागा, नहीं गया, फॉर हिज आई वेयर सो फुल ऑफ टीयर, और इसके लिए उसकी आंखों में आंसू भर गए थे, दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग, क्योंकि वह दानों को आते हुए नहीं देख सका था। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और वह दानों उसके पीछे खड़ा था। एंड टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड, और उसने उस बच्चे को अपने हाथों में बहुत ही सज्जनता से, बहुत ही दुलार से उठाया। एंड पुट हिम इन टू द ट्री, और उस बच्चे को पेड़ पर रख दिया, पेड़ पर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम, और वह जो पेड़ था तुरंत ही फूलों से भर गया। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, चिड़िया भी आई और इस पे बैठी और गाना गाई। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जायंट्स नेक, उस छोटे लड़के ने अपने दोनों बाहों को फैला दिया और उस दानों के गले में, गले के दोनों तरफ फैला दिया। एंड किस्ड हिम, और उसको चुम्बन लिया। एंड द अदर चिल्ड्रेन, और जो दूसरे बच्चे थे, व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नाउ नॉट विथ एनी लॉन्गर, जब दूसरे बच्चों ने देखा कि यह जो दानव है अब दुष्ट नहीं रह गया है, केम रनिंग बैक, दौड़ते हुए वापस आए। एंड विथ देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही बसंत भी आ गया। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन, सेड द जायंट, दानव ने कहा, छोटे बच्चों अब यह बागीचा तुम ही लोगों का है। एंड ही टूक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद उसने बड़ा सा कुल्हाड़ी लिया और चार दीवारी को गिरा दिया। एंड वेन द पीपल वेयर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, जब 12 बजे लोग बाजार जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, उन लोगों ने देखा कि यह जो दानव है बच्चों के साथ इस सुंदर बागीचे में खेल रहा है जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम बैक टू जायंट टू बीड हिम गुड बाय, पूरा दिन वे लोग खेलते रहे और शाम को वे दानों के पास आए उसको गुड बाय कहने के लिए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेड, उसने कहा कि लेकिन तुम्हारा वो छोटा सा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू ट्री, वह बच्चा, वह लड़का जिसे मैंने पेड़ पर रखा था, द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, वह जो दानव था उस छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता था, आखिरकार उस बच्चे ने उसे चुम्बन दिया था, चुमा था। वी डू नॉट नो, answered द चिल्ड्रेन, बच्चों ने कहा कि हम नहीं जानते, ही हैज गॉन अवे, वह जा चुका है, यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हियर टुमारो,
तुम लोग कल आना और उसके बारे में निश्चित होके बताना, उसके बारे में बताना और कल आना, सेड द जायंट, दोनों ने कहा। बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने कहा कि वे नहीं जानते कि वह लड़का, वह छोटा बच्चा कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उसे पहले कभी देखा भी नहीं गया था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और यह सुनकर वह दानव बहुत ही दुखी हुआ। दी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रेन केम एंड प्लेड विद द जायंट। प्रत्येक दोपहर के बाद जब स्कूल बंद हो जाता था, बच्चे आते थे और दानव के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, लेकिन वह छोटा लड़का जिससे दानो बेहद प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, दोबारा कभी नहीं देखा गया। जायंट वाज वेरी काइंड टू ऑल चिल्ड्रेन, दानो सभी बच्चों के साथ बहुत ही दयालु था। इट ही लॉन्ग फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड, लेकिन वह अपने उस पहले छोटे मित्र को अधिक चाहता था, अधिक प्यार करता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और प्राय उसके बारे में बोलता था, कहता था, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसे देखना कितना पसंद करता हूं, ही यूज टू से, वह कहा करता था। ईयर्स वेंट ओवर, सालों बीत गए, एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। सालों बीत गए और दानव बहुत बूढ़ा हो गया और कमजोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वह और नहीं खेल सकता था। सो ही सैट इन ए ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रेन एट देयर गेम्स। इसलिए वह एक बड़े से आर्म चेयर, जिसमें जिस चेयर में बाहें होती हैं, या आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाता था और बच्चों को और उनके खेल को देखा करता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बागीचे की प्रशंसा करता था। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मैं बहुत से सुंदर फूल रखता हूँ, मेरे पास बहुत से सुंदर फूल हैं, ही सेड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ ऑल, लेकिन ये जो बच्चे हैं उन सभी फूलों में बहुत ज्यादा सुंदर फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, ही लुक्ड आउट द विंडो, उसने खिड़की के बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वह कपड़े पहन रहा था, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, वह अब जाड़े से नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप, वह जानता था कि अब जल्द ही बसंत आने वाला है। एंड द फ्लावर्स वेयर रेस्टिंग, और जो फूल हैं वो अभी आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आई इन द वंडर, अचानक ही उसने अपने आंखों को बहुत ही आश्चर्य से मला, एंड लुक देखा और देखता ही रह गया। इट सर्टेनली वॉज ए मार्वेलस साइट, निश्चित रूप से यह एक विचित्र दृश्य था। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विथ लवली व्हाइट ब्लॉसम, बागीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक पेड़ बिल्कुल ही पूरी तरह से प्यारे सफेद फूलों से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेज वेयर ऑल गोल्डन, इसकी जो शाखाएं थी सुनहरी थी। एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और उन शाखाओं से चांदी जैसे फल लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और इसके नीचे वही छोटा लड़का खड़ा था जिससे वह बहुत प्यार करता था। डाउन स्टेयर रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, बहुत ही खुशी के साथ वह दानव सीढ़ियों से नीचे उतरा, दौड़ते हुए उतरा।
एंड आउट इन टू द गार्डन, और बगीचे में गया। ही हास्टेंड अक्रॉस द ग्रास, उसने घासों को बहुत तेजी से पार किया। एंड केम नियर टू चाइल्ड, और उस बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, जब वह बिल्कुल करीब आ गया। हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर एंड ही सेड, उसका जो चेहरा था गुस्से से क्रोध से लाल हो गया, और उसने कहा, हु हैज डेयर टू वुंड दी, किसको हिम्मत हुई तुम्हें चोट पहुंचाने की, किसके हाथ ने तुम्हें चोटिल किया। हैथ का अर्थ है हाथ और दी का अर्थ है तेज। तुम्हें इतनी तेज चोट देने का साहस किसने किया। फॉर ऑन द पाम ऑफ द लिटिल हैंड्स वेयर प्रिंट ऑफ टू नेल्स, एंड प्रिंट ऑफ टू नेल्स वेयर ऑन द लिटिल फीट, उस छोटे से बच्चे के हथेली पर और पैरों पर नाखून के दो निशान थे। नाखून से इसे खरोंच लिया जाता है, उस तरह के निशान उस लड़के के हथेलियों पर और पांवों पर थे। हु हैथ डेयर टू वुंड दी, किसको हिम्मत हुई तुमको इस चोट को देने की या इस तरह से चोटिल करने की। क्राइड द जायंट, दानव ने चिल्लाते हुए कहा, टेल मी दैट आई मे टेक माई सोर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ मैं भी अपनी तलवार लूंगा और उसकी हत्या कर दूंगा। ने एंसर्ड द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, नहीं, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, लेकिन जो घाव हैं प्यार के घाव हैं। हु आर्ट दो, किसने किया, सेड द जायंट, दानव ने कहा। एंड स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड, अब यह जो दानव था उस लड़के के सामने, छोटे लड़के के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया, घुटना टेक दिया, घुटना टेक कर बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, उस छोटे से बच्चे ने दानव को देखा और उस पर मुस्कुराया और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुम मुझे एक बार अपने बागीचे में खेलने दो। टूडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन, और आज तुम मेरे साथ मेरे बागीचे में चलोगे, आओगे, विच इज पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। एंड व्हेन द चिल्ड्रेन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब उस दोपहर के बाद बच्चे दौड़कर भागकर वहां पहुंचे, उस बागीचे में आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड, उन बच्चों ने पाया कि दानव मर चुका है। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ऑल कवर्ड विद व्हाइट ब्लॉसम, और पूरी तरह से सफेद फूलों से ढक गया है।